एक्सटेंशन अभी की है, कई इश्यूज आपने उठाए ईडी की रेड को लेकर। देखिए, दो साल हो गए ईडी के इन्वेस्टिगेशन को और एक चवन्नी हमारे किसी नेता के यहाँ से नहीं मिली। ये मैंने प्रेस वार्ता में भी कहा, व्हेन इट इज अ गेम ऑफ, व्हेन पॉलिटिक्स बिकम्स अ गेम ऑफ परसेप्शन एंड नॉट पॉलिसी, एवरीवन लूजेस। तो ये नकारात्मक राजनीति भाजपा करती है। कल भी उन्होंने विभव कुमार जी, जो हमारे पीएस हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के, और एनडी गुप्ता जी जो हमारी पार्टी के ट्रेजरार हैं और सांसद हैं राज्यसभा के, उनके यहाँ 16-16, 18-18 घंटे सो कॉल्ड रेड करी। ना कोई छानबीन की, ना कोई पूछताछ की, सिर्फ दो ईमेल का डंप और तीन फोन लेकर चले गए। ये तक नहीं बताया कि किस केस के तहत ये छानबीन हो रही है। तो ये बेहद गलत है और जनता इसका जवाब देगी। मैम, आपने कहा कि देश संविधान से चलेगा, ये सब चीजें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और आम आदमी पार्टी ने दिखाए हैं कि शायद सिर्फ फोन ले गए और कुछ नहीं हुआ, तो वो थोड़ा इलाबोरेट करें। देखिए, हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी FIR थी, क्या ECIR थी, किस केस के तहत इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, कोई जानकारी नहीं दी। कहीं भी किसी भी कमरे में कोई छानबीन नहीं हुई, कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई। बस 16-18 घंटे बैठे ताकि परसेप्शन मैनेज कर पाए मीडिया में कि अरविंद केजरीवाल जी के पीएस के यहाँ रेड है। तो ईडी का यही काम रह गया। दो साल हो गए और आप एक चवन्नी नहीं रिकवर कर पा रहे, तो ये सारा का सारा शराब घोटाला झूठा है, कुछ है ही नहीं।